अध्यक्ष गंगा सेवा निधि सुशांत जी, आज किस प्रकार माँ गंगा की आरती की गई? देखिए, कल जो चंद्रयान 3 जो था, उसका जो लैंडिंग था, वो जिस दिन लॉन्च हुआ है, उस दिन भी हम लोग भगवती माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि जो मिशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। और कल भी हम लोग कामना किए, चूँकि आज उसकी जो लैंडिंग की डेट थी, और बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा, काशी जो है ये खुद मोक्ष की नगरी है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है, और वहीं यहाँ सच्चे मन से और जो प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर बाबा के दरबार तक हाजिरी लगता है, और बाबा उसे ज़रूर मनोकामना पूरी करते हैं। यही प्रार्थना हम लोग कल भी माँ गंगा से किए थे कि चंद्रयान 3 जो है, उसकी जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो, और ऐसा ही आज भी हुआ। और उसी के लिए हम सभी देशवासियों को गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से, और विशेष करके इसरो को और इसरो की पूरी टीम को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जितने भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो आज दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों द्वारा यहाँ पे भारत माता की जय के नारे के साथ जो है वो माँ गंगा की आरती प्रारंभ हुई। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।